वेलकम बैक टू द चैनल महेश शर्मा राइडिंग। मैंने जैसा कि बताया था पिछले वीडियो में कि मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा, एक यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगा और ये हाजिर है। देखिए, दो साल पहले मैंने इसी मंथ में, मई मंथ में मैंने एक बाइक खरीदी थी, विक्रांत, जो आपको थंबनेल में दिख रही है। बहुत परेशान रहा था मैं, बहुत रिसर्च किया मैंने कि कौन सी बाइक लेना चाहिए। कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। गूगल पर सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ, मैं पूरा परेशान हो गया। मैंने अपने भाई से पूछा, कई लोगों से पूछा, आखिरी में एक खुद का डिसीजन लिया और मैंने ये विक्रांत फाइनल की थी। लेकिन मैं विक्रांत को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे आप एक रिसर्च कर सकते हो और अपने चॉइस की बाइक ले सकते हो। एक छोटा सा रिसर्च करना है, छोटा सा काम करना है, इसे रिसर्च भी नहीं बोलेंगे। रिसर्च वो होता है जो आप बहुत सारी जानकारी जुटाते हो और परेशान होते हो। तो आइए बताता हूँ मैं आपको क्या सिंपल तरीका है जिससे कि आप बाइक परचेस करने अगर जा रहे हो तो आसानी से ले सकते हो, और बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मेरे साथ। सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना होगा कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेंगी। सबसे पहले तो आप देखिए कि बजट क्या है आपका, मतलब कि आपके पास कितने पैसे हैं। उसके अनुसार आपको मार्केट में अलग अलग कंपनियों के ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बजट होता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइलेज। इंडिया में बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग कि माइलेज क्या है, एवरेज क्या है, मतलब कि एक लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी। लुक्स, गाड़ी दिखती कैसी है, गाड़ी का लुक कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। कलर कैसा है, ये भी एक आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। आपको जो अपनी कॉपी में लिखना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बिल्ड क्वालिटी, मतलब गाड़ी मजबूत है क्या, उसका चेसिस कैसा है, इंजन कैसा है, ठीक है, उसके रिंग कैसी है, मजबूती है क्या, कहाँ जाना है आपको राइडिंग करके। जैसे मेरा चैनल है राइडिंग के लिए, तो मैं दूर भी जाता हूँ, पास भी जाता हूँ, ऑफ रोडिंग भी करता हूँ, पहाड़ों में भी चलाता हूँ, हाईवे पर भी चलाता हूँ। आपको अगर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तो आप नॉर्मल बाइक भी ले सकते हो, ज़रूर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल बाइक से भी लोग दूर दूर जाते हैं। तो वेयर टू राइड, आप कहाँ चलाना चाहते हो, आप कम्यूटर हो, शहर में चलाना चाहते हो कि दूर जाना चाहते हो। मेंटेनेंस और सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप जितनी महंगी गाड़ी लोगे उसका मेंटेनेंस उतना ज़्यादा होगा। उसके बाद ओल्ड वर्सेस न्यू, या ओल्ड या न्यू, देखिए ओल्ड बाइक लोगे तो थोड़ा सस्ते में आ जाएगी लेकिन मेंटेनेंस रहेगा, न्यू बाइक थोड़ा महंगा आएगी लेकिन मेंटेनेंस नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ओल्ड बाइक जो है वो सस्ती आ जाएगी और आसानी से आप ले सकते हो। कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, बट मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ओल्ड बाइक ले, इसलिए न्यू बाइक लेना अच्छा रहता है, मेरा अपना सुझाव। इसके अलावा पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी बाइक को मैच करनी चाहिए। उसके बाद पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़, कई बार होता क्या है कुछ गाड़ियों के पार्ट्स मिलते ही नहीं आप जहाँ रहते हो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टायर्स, मैं ये देखो यहाँ स्टार लगाया क्योंकि मैंने गाड़ी लिया ट्यूबलेस टायर की, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई प्रॉब्लम आती है तो रास्ते में आपको फिर गाड़ी को धकेलना पड़ेगा या बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ट्यूबलेस टायर की गाड़ी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी चॉइस, आप क्या चॉइस है आपकी, आपके दिल की सुनो, बाकी किसी की मत सुनो। खुद को जो अच्छी लगे गाड़ी वो परचेस करो और रेडी हो जाओ राइडिंग के लिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के बटन दबा देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक के बटन दबा देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय फ्रॉम MSR।